इस वक्त की बड़ी खबर, बागेश्वर फूड पॉइजनिंग मामले में एक और की मौत। अब तक 3 लोगों की हुई मौत, 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। शादी का खाना खाकर बीमार हुए थे सभी, 300 से ज्यादा इनकी तादाद बताई जा रही है। 5 बीमारों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें, कई अस्पतालों में चल रहा है बीमार लोगों का इलाज, जिन्होंने शादी का खाना खाया था। शादी का खाना खाने के चलते ये सभी लोग बीमार हो गए, जिनकी तादाद 300 से ज्यादा बताई जा रही है। और अपडेट ये कि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले आंकड़ा 2 था, और अब जो अपडेट मिल रहा है, अब जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक एक और शख्स की मौत हो चुकी है फूड पॉइजनिंग के चलते। यानी 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 5 बीमारों को एयरलिफ्ट के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। योगेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, क्या अपडेट? बागेश्वर के बस्ती गांव में जो शादी के दौरान फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है। 9 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है। 5 लोगों को एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी के सुशील तिवारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 5 और लोगों को लाया जा रहा है। करीबन 300 के आसपास लोग इसमें गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, जिनका कहीं ना कहीं दूसरे अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है। जी योगेश, आप लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या जो तमाम मरीज हैं, जो तमाम लोग हैं, उनको इलाज सही तरीके से दिया जा रहा है, वक्त पर दिया जा रहा है? देखिए, सीएम से लेकर कुमाऊं कमिश्नर तक सभी लोग इस पूरे मामले में अपनी मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने खुद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना है, और सीएम भी वहां से पूरे मामले में नजर रखे हुए हैं। सभी को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है, हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है, और हल्द्वानी में सभी डॉक्टर पूरी तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर तादाद ज्यादा मरीजों की हल्द्वानी में हो जाती है तो उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में भी भर्ती करना पड़ेगा, जिसकी भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा कर ली गई है। जो परिजन है मरीजों के, वो कितने संतुष्ट व्यवस्था से योगेश? देखिए, अस्पताल की व्यवस्थाएं अभी सभी तरीके से सही चल रही हैं, परिजन भी संतुष्ट हैं, सभी लोग अपने मरीजों का इलाज कराने में व्यस्त हैं, और अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि खाने में कौन सी ऐसी चीज थी जिससे सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, इतने लोग घायल हो गए। पूर्व विधायक जो है कपकोट के ललित फरसवार, उनका भी अल्मोड़ा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अल्मोड़ा, बागेश्वर सहित कई अस्पतालों में जो गंभीर रूप से बीमार है उनका इलाज चल रहा है। चलिए योगेश, आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हम अपडेट लेते रहेंगे। तो कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है, और प्रशासन और यहाँ तक कि शासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि सभी मरीजों को बेहतर तरीके से और वक्त पर इलाज दिया जाए। लेकिन आपको बता दें, 5 बीमारों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया है। कई अस्पतालों में चल रहा है मरीजों का इलाज। अपडेट ये कि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है।